गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। 17th of September 2022, बटोट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू से तकरीबन 130-140 किलोमीटर एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता है, भाई लोग बताएंगे। और ये देखिए, थाली खत्म हो चुकी है, ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ, ये भाई भी कर चुके हैं, और अजोत भाई अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और हमारे गगन भाई भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी। हेलो तो कर दो यार। हाँ देखो, ब्रेकफास्ट करते हुए हेलो करने में भी थोड़ी सी कंजूसी दिखा देते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। अब क्या है जी, आज का स्केड्यूल ये है कि अब हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस ये ब्रेकफास्ट की जो फॉर्मेलिटी है ये थोड़ी सी रह गई है, और इसके बाद हम लोग निकलते हैं। आज का जो स्केड्यूल है, आज हम जा रहे हैं नत्था टॉप और सानासर लेक। रस्ते में और कोई जो अगर जगह आती है तो वो दिखाते हैं। तो मिलते हैं फिर गाड़ी में बैठने के बाद, अब से थोड़ी देर के बाद। राइट, टेक केयर। तो जी निकल पड़े हैं, गाड़ी में आ गए हैं, पीछे अजोत सिंह जी और गगनदीप सिंह जी, और आज फिर सारथी की भूमिका में हमारे भाई गुरप्रीत सिंह जी। देखो कितनी बढ़िया है, पहाड़ी रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाने में माहिर हैं, और इनफैक्ट हम अब जा रहे हैं नत्था टॉप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट प्लेसेस हियर, जो जम्मू के कुछ जैसे बोलते हैं ना कि जम्मू के अपने हिल स्टेशन हैं। तो कल हम लोग गए थे पटनी टॉप, आज जाएंगे हम नत्था टॉप और फिर जाएंगे सनासर लेक। सो देखते हैं अब रास्ते में कैसे कैसे क्या क्या मोड़ आते हैं। हाँ जी, ये देख रहे हो, ये कहीं पे कोई आग नहीं लगी जो धुआं है, ये बादल हैं जो उड़ उड़ कर यहाँ सेटल होने के लिए नीचे से आ रहे हैं, और सारा का सारा व्यू जो है वो यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। ये देखो, ये सारे बादल नीचे की तरफ से, ये देख रहे हो आप, और इस हाइट पे हैं हम इस टाइम। ये दिस इज कॉल्ड, अभी भी फिलहाल हम वे टू नत्था टॉप हैं। ये देखो बादल कैसे सेटल हो रहे हैं, ये देखो इनकी स्पीड आने की, कैसे नीचे की तरफ से बादल उड़ उड़ कर आ रहे हैं, और बिल्कुल भी यहां पर व्यू ब्लॉक हो चुका है। और ये देखिए नज़ारे, अगर आपने थोड़ी सी वैली देखनी हो तो वो सामने आप देख पा रहे हो, वैली के नज़ारे कैसे वहां पर बादल ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। और जहां पर जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं अभी, और एक मिनट के अंदर या दो मिनट के अंदर अंदर ये बादल हमें भी एंगल्फ कर लेंगे। ये नीचे से इस स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, देखो और ये देखो गगनदीप सिंह भी फोटो बना रहे हैं उनकी, देखो कैसे क्या शानदार नजारा है, ये क्या शानदार नजारा है। यू नो, ऐसे नजारे कहीं मिलेंगे हमें, यहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल है। वो देखो अब वो बादल कैसे सेटल डाउन हो रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखो सामने, ऐसे लग रहा है कि कहीं से धुआं है, पर ये भैया धुआं नहीं है, रियल बादल हैं। ये देखो कैसे सेटल डाउन हो रहे हैं, और ऊपर से गड़गड़ाहट भी आ रही है, कितने बादल छाए हुए हैं अभी और ऊपर, और गड़गड़ाहट पूरी, और हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है। ये देखो बादल कैसे सेटल होते जा रहे हैं, ये आवाज सुन रहे हैं, ये यहां से आ रही है आवाज, ऊपर से, ये ऊपर से आवाज आ रही है, और घनघोर यहाँ पे अभी जो तैयारी है, उम्मीद है कि बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है, और हमें चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया, चारों तरफ से। देखो ऊपर से ये आ गए, इधर से, ऐसे लग रहा है जैसे हमें घेरा डालने के लिए ये बादल यहाँ आ गए हैं। चलो और आगे चलते हैं, अभी तो नत्था टॉप और अभी 4-5 किलोमीटर दूर है, देखते हैं और कहाँ हाइट पे जाते हैं। जैसे ही पहुंचे नत्था टॉप तो बारिश बोलती है, भैया मैं हूं, अब तुम नहीं, अब तो ये छोटा सा मैगी पॉइंट है, देखो यहाँ पे सबने शरण ले ली है, गगनदीप, गुरप्रीत, ये हमारे अजोत पाजी और मैं, और ये हमारे भाई जिनका मैगी पॉइंट है, तो इसके अंदर शरण ले ली है। तो बाहर तो मतलब एक्चुअली में एक तो हवा बहुत तेज थी, लग रहा था कि पता नहीं आपसे बात हो पाएगी कि नहीं, और ऊपर से बारिश ने ऐसा जोर मारा कि हम भाग के इस मैगी पॉइंट के अंदर आ गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ बैठ के चाय वाय पीते हैं इनके साथ, और फिर बाहर निकल के थोड़ी सी बारिश जब कम होती तो दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब इफ यू हैव नॉट बीन हेयर यू आर मिसिंग समथिंग, यू हैव टू बी हेयर। अगर आप जम्मू आ रहे हो और घूमने फिरने का इरादा लेके आ रहे हो
पाजी कितनी दूर होएगा जम्मू से, ये कितनी दूर होगा ये? जम्मू तो ऑलमोस्ट से बनेगा तो 140 नहीं 130 जैसे हम पटनी टॉप कल गए थे और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बस सिर्फ बारिश की वजह से यहाँ के बैठ गए हैं। बारिश हल्की सी खत्म होती है, ड्रिजलिंग कम होती है, देख रहे हैं आप जैकेट्स सबने विंड शीटर्स पहन लिए हैं, यहाँ सबको अपनी अपनी वो याद करा दी है कि भैया तुम इंसान हो, वो तुम भगवान या तुम सॉलिड या मिट्टी के या इसके नहीं बने हुए, ठंड लगती है। तो यहाँ पे इस मौसम में जब दिल्ली के अंदर अभी भी ह्यूमिडिटी, मेरे को पता है कि बारिश हुई है थोड़ा सा ठंडक होगी पर ह्यूमिडिटी इज स्टिल देयर, पर यहाँ पे मस्त वाली ठंड है भैया। बारिश रुकी है तो मैंने कहा थोड़ा दिखा दूं, ये नत्था टॉप है जी, इधर से भी नीचे ओ गहरी वैलीज, बहुत गहरी, वो देखो पीछे वो गहरी वैलीज, और इस तरफ ऊपर एक टॉवर लगा है ट्रांसमीटर, और आगे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दूसरी साइड वो गहरी वैलीज, वो माउंटेन्स परे दूर, क्योंकि ये हल्का सा कभी कभी आपको व्यू आएगा बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कैप्चर, बादल अभी भी हैं, और उसके बाद फिर उधर से वो दूर तक ये देखिए अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग है, और ये पूरा व्यू आप देख पा रहे हो, और ये है नत्था टॉप, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस, और ये है जी नत्था टॉप के नज़ारे आप देख रहे हो। ये देखिए जो पहले मैंने आपको अपने पीछे दिखाई थी वैली, वो यहाँ है, ये देखिए क्या व्यू है, और वही वाला टावर जो मैंने बताया था आपको, मतलब आप यहाँ टॉप पे खड़े हैं आप बहुत दूर दूर तक सारे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो। बारिश आ रही है, पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बहुत तेज हवा चल रही थी, अभी हवा थोड़ी सी कम है पर ड्रिजलिंग, क्योंकि बारिश भी हो गई थी यहाँ पे, अब ड्रिजलिंग है, आप शायद पता लग पा रहा हो आपको कि नहीं, मेरे को नहीं पता कैमरा में, मेरे ऊपर अभी भी बूंदें पड़ रही हैं। तो अब गाड़ी में बैठ के अब हम चलते हैं सनासर, सनासर इज अ स्मॉल लेक, और यहाँ से आगे है कुछ किलोमीटर्स, अभी गाड़ी में बैठता हूँ तो आपको बताता हूँ भाई साहब से पूछ के। हम आ गए हैं गाड़ी में, बैठ गए हैं, और आप बताएंगे भाई जी कितनी दूर हो और सनासर के लिए? बस 8 किलोमीटर, 8 to 9 किलोमीटर है जी। 8 to 9 किलोमीटर, सो इट विल बी लाइक अनदर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स मोर, और हम पहुंच जाएंगे सनासर। ऑन द वे टू सनासर नजारे देख रहे हैं, रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो जी गुरप्रीत जी हमारे लिए ना भुट्टा ले गए हैं, देखो क्या मस्त, ये देखो गगनदीप जी भी भुट्टा खा रहे हैं, आप भी खाओगे भुट्टा? हाँ खाएंगे जी, ये दे रहे हैं गगन भाई। हाँ जी भुट्टा, आप यहाँ कब से लगाते हो भुट्टा? मेरे को हो गए कोई 6-7 साल। 6-7 साल से? पहले उधर आगे करता था, अभी। तो ये लाते कहाँ से हो? ये देसी है, यही उगता है? अच्छा लोकल उगता है, चलो बढ़िया जी, लगे रहो हमारी दुआएं आपके साथ है। तो फिर भुट्टा कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नींबू मसाला फ्रेश। अरे वाह क्या बात है भाजी, आप भी खा रहे हो? खाओ सर, गरम गरम मजा बड़ा, मजा बड़ा, ठीक है मैं भी खा लेता हूँ जी, ये सब खा रहे हैं तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है। पता नहीं कितने नजारे हैं रस्ते में, बार बार रुकने का दिल करता है। ये देखो अब मैं मेडोज में खड़ा हूँ, इसको जरा एक बार ध्यान से देखो,
एक तरफ मेरे पीछे देख रहे हो आप नीचे वादियां, एक तरफ ये देख रहे हो कितनी ग्रीन मेडोज, और वो ऊपर बहुत बड़ी हिल्स, पहाड़ियां पीछे तक, इतनी खूबसूरत नजारे हैं ना यहाँ रास्ते में। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सनासर लेक की तरफ नत्था टॉप से, और अराउंड 5 किलोमीटर के और करीब रह गया है। तो पहुंच गया जी सनासर, और अचानक से 360 डिग्री चेंज हो गया है नत्था टॉप से। एक तो मतलब ठंड तो है बट उतनी नहीं है, और धूप बहुत खिली हुई है। आप मेरे शेड्स देकर अंदाजा लगा रहे हो कि वो अचानक से ये ट्री कटिंग के लिए इन्होंने शुरू कर दिया है, और आवाज बहुत खतरनाक वाली आ रही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना और मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज है ये, यू नो इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल मेडोज। और ये बहुत तेज मशीन की आवाज आ रही है, प्लीज एडजस्ट करना, इग्नोर करना इसको। ये देखिए व्यू, चारों तरफ मेडोज, एक बहुत अच्छा ग्रीन एरिया, और बीच में ये लेक, और इसके अंदर एक्टिविटीज आप देख पा रहे हो बहुत सारी हैं। शिकारा राइड्स अवेलेबल हैं, ये देखिए ये शिकारा राइड्स भी अवेलेबल हैं। वो सामने एक शिकारा चल भी रहा है लेक के अंदर, और फिर और अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे वो सामने आपको दिख रहा होगा जिप लाइनर, और उसके अलावा आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरी हुई, हर तरफ से पहाड़ी, इस तरफ मेडोज, और बहुत शानदार ये लेक सनासर लेक, जो कि नत्था टॉप की हाइट से समझ लो नीचे की तरफ आकर और 9 किलोमीटर्स दूर है। ये है मेरे पीछे, आप देख रहे हो दिस इज सनासर लेक, और ये पीछे आप देख पा रहे हो वहां वो पीछे तक, ये है यहाँ लेक। और क्योंकि ये सारी तरफ से ये मेडोज से घिरी हुई है, और ये नीची प्लेस पड़ जाती है, हर तरफ से पहाड़ियां हैं, जिस तरफ से इसका कैचमेंट एरिया बन जाता है, इस तरफ भी मेडोज हैं, बारिश वगैरह में पानी सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। कोई एक नॉन सोर्स या कोई नदी से ऐसा सोर्स है ऐसा कुछ नहीं है, सो इट्स अ रेन फॉल फेड। जैसे कि वहाँ सामने से एक चीज़ नज़र आ रही है, जो एक वे आ रहा है रास्ता जो ऊपर से पानी का। और कंपैरिजन के लिए बता दूँ, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी ये लेक, तो वो जो है वो इस वाली हट के बाहर खड़े हुए थे हम। यहाँ पे नत्था टॉप है, लेट मी जूम इट फॉर यू, ये आप देख पा रहे हो कि हम किस लेवल पे नीचे हैं, और वहां से हम 9 किलोमीटर नीचे आए हैं नत्था टॉप से इस लेक के ऊपर। आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए हैं, ये जिप लाइनर यहाँ लगा हुआ है जिसकी ये तार ऊपर से जा रही है, ये वहां जाती है, और वो उस पॉइंट के ऊपर, वो आप देख पा रहे होगे ये वाला पॉइंट ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, वहां तक है ये जिप लाइनर, और ये जिप लाइनर इस तरफ से यहाँ तक आता है। वहां पर ये देखिए शिकारा राइड्स आप देख पा रहे हो, यहाँ शिकारा राइड्स मिल जाती हैं। कुछ और वो बच्चों के लिए जो आप देख पा रहे हो राउंड बलून टाइप जो वहाँ है वो है। यू कैन ऑल्सो डू हॉर्स राइडिंग हेयर, सो ऐसे यहाँ पे हॉर्स एंड म्यूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, खच्चर भी हैं और घोड़े भी हैं जिनकी राइड्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओवरऑल अ नाइस प्लेस टू बी, यहाँ पे टाइम अगर आप बिताना चाहें तो इट्स अ गुड प्लेस, यू नो। और जम्मू से जैसे बताया था कि 140 ऑड किलोमीटर के करीब नत्था टॉप है, तो 9 किलोमीटर आगे ये सनासर लेक है, जो कि बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत लेक है। चारों तरफ शांतमय माहौल है, इन ग्रीन जो ये ग्राउंड समझ लीजिए मेडोज हैं जो। संदीप जी और वहाँ हमारे भाई अजोत जी देखो फटाफट एप्पल खा रहे, छुपाना नहीं है सर, दिखा के खाना है। और आप भी फ्रूट्स लेके आए हो, गुरप्रीत जी भाई मेरा फ्रूट भी दे दो आप, मेरे को यार मेरा फल मुझे दो,
एप्पल। ये देखो ये फिर से एक नाक खिला रहे हैं, जबकि नाक मैं पहले से खा चुका हूँ भाई साहब। एप्पल दे दे। अब इनसे एप्पल मांगा है, मेरा हक एथेरा फ्रेश एप्पल, मतलब मेरा फ्रेश एप्पल। और ये जो एप्पल है ना जी, बड़ा जूसी है। ये कश्मीर वाला एप्पल नहीं है और ना ये शिमला वाला एप्पल है, ये यहाँ का लोकल समझ लीजिए जम्मू रीजन का जो एप्पल है, और बड़ा टेस्टी है, थोड़ा खट्टा मीठा सा स्वाद है। किसी से मांगेंगे तो शायद आपको नहीं, जम्मू का एप्पल कोई जानता नहीं है, रीजन जम्मू है और यहाँ का लोकल ये फ्रूट है। क्या इसके बारे में, क्या ये कहाँ का है? ये बटोत का है सर, एप्पल लोकल एप्पल है। थोड़ा तेज बोलो। लोकल एप्पल है, बटोत का एप्पल है। बटोत का एप्पल है तो जहाँ हम आए हुए हैं भैया, वहाँ का फल खाना जरूरी होता है। तो सबर का फल भी है और मीठा भी है और थोड़ा सा खट्टा है, वो सबर नहीं किया हमने, जल्दी दिखा रहे हैं। इसलिए जूसी है, जूसी जूसी है, परफेक्ट जूसी है। सनासर लेक से घूमते घूमते हमें गगनदीप भाई ने, मेरे पीछे खड़े हैं गगनदीप जी, इन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, देखो वो वहाँ उधर सनासर लेक है, उस तरफ वहाँ पे शायद पता नहीं दिखेगी यहाँ से कि नहीं। और यहाँ से देखो सारी तरफ पहाड़ियाँ 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 पहाड़ियाँ, वो ऊपर वहाँ पे है नत्था टॉप का पॉइंट। और एक जगह पर भाई हमारे लेके आए हैं, बोल रहे हैं भैया ये एको पॉइंट है, यहाँ पर आवाज मारो जोर से, सामने पहाड़ी से गूंज कर आती है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता ये इसके ऊपर आएगी नहीं आएगी। तो गगनदीप भाई को बोलते हैं ये जोर से आवाज मारेंगे और देखते हैं कि वहां से आवाज पलट के आती है कि नहीं। तो गगनदीप जी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि सामने उस तरफ वो वहां पे ये वो उसके उधर वहां पर, वहां से आपकी आवाज पलट के आएगी और जहां हम खड़े हैं यहाँ पे ये एक इको पॉइंट है, राइट? तो कितनी जोर से आवाज मार के आपकी आवाज वापस आएगी? देखते हैं। चलो जी आवाज मारो, देखते हैं वापस आती है कि नहीं आती। हेलो हेलो भाई, मुझे नहीं पता ये कैमरा के थ्रू वीडियो में आपको आवाज आई कि नहीं आई, पर मैंने जरूर सुनी, ज्यादा बार तो नहीं, पर जब इन्होंने बोला हेलो तो सामने से सेम वो एको होती है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं आपको कैमरा में ये आवाज आती है कि नहीं आती है, ठीक है? हेलो आती है, आवाज आती है भाई जी। इतना नीचे तक लेके आए थे, यहाँ से वो मेडोज पार करके फिर वो ऊपर, फिर वहां से उधर ऊपर गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा यार ये तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम लोग मेरे को जो है इतना चलवा रहे हो। तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया, कह रहे भाई साहब कल के व्लॉग में ना आप ही कह रहे थे कि इनकी साजिश है, ये मेरे को खिला खिला के मोटा कर देंगे। तो कह रहे नहीं भैया, आपको इतना पैदल चलाएंगे कि जितना वजन दिल्ली से लेके आए थे ना वो भी कम करवा देंगे। क्यों जी, मैं गलत नहीं कह रहा जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी साजिश थी ये, कल मतलब जैसे बकरे को तैयार नहीं करते बेटा, खा ले वो बकरे की तरह तैयार करके अब मेरे को पैदल चला रहे हैं इतना। अब कह रहे जी आपका वजन तो उतना भी नहीं रहने देंगे जितना दिल्ली से लेके आए थे। जो इन्होंने मेरा खाना पचाने का जुगाड़ किया था ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना कितनी स्टीप चढ़ाई के ऊपर ये लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये और कुछ नहीं ना तो कम से कम 45-50 डिग्री की खड़ी चढ़ाई के ऊपर मेरे को चढ़ा रहे हैं ये, देख लो इनका काम। देखो जी अब हम उतर रहे हैं ये नत्था टॉप से नीचे को, ये रोड के ऊपर जाकर वहां से आगे से घूमती हुई ये रोड फिर नीचे आ जाती है, और ऐसे ही करते करते वो नीचे आप देख रहे हो वो है बटोत नजर आ रहा है सामने, बिल्कुल वो बिल्कुल नीचे वहां तक जाना है हमने। तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, ये यार सेलफोन की टॉर्च की लाइट है और यहाँ देखो पीछे मेरे हम अंधेरे में खड़े हैं। ये देखो पूरा ये सीढ़ियां आ रही हैं ऊपर से, और ये देखो ये अंधेरा नहीं है, टॉर्च नहीं दिखा नहीं, ये देखो ये अंधेरा, ये देखो ये सीढ़ियां हैं, शायद आपको दिख रही होंगी टॉर्च की लाइट में। और हमने जाना कहाँ है, वो सामने ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो डिनर हो गया, रूम पे वापस आ गए हैं, अब सोने का टाइम है, सारा दिन आज मैं बहुत थक गए। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी और यहां तक ब्लॉग देखा है तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक मेरा ये ब्लॉग ये चैनल पहुंचाइए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा ताकि मैं रेगुलर मतलब बेसिस पे इस ब्लॉग के ऊपर आपके लिए कंटेंट्स डालता रहूं। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।